बात मित्रों, मैं विनोद सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीमा ज्ञान नॉलेज शेयर पर। आज के इस वीडियो में हम गति के तीन समीकरण प्राप्त करने के लिए कलन विधि का प्रयोग करना सीखेंगे। कलन विधि से गति के समीकरण व्युत्पन्न करना। इसके लिए सर्वप्रथम हम अवकलन समाकलन का प्रयोग करते हुए तात्क्षणिक वेग और त्वरण की परिभाषा का उपयोग करेंगे। तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तात्क्षणिक त्वरण a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अतः दूरी s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी तथा वेग v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी टी। आइए हम गति की समीकरण संख्या एक को व्युत्पन्न करने की विधि देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप त्वरण की परिभाषा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का प्रयोग करेंगे। अतः a डी टी विल बी इक्वल टू डी वी। इसका समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। ए त्वरण अचर राशि होती है गति के इन तीनों समीकरणों में। अतः वी विल बी इक्वल टू ए टी प्लस सी। सी यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। इस समाकलन स्थिरांक का मान परिसीमा प्रतिबंध वी इज इक्वल टू यू एट समय t बराबर जीरो पर वेग का मान u होगा। अतः समीकरण संख्या एक में मान प्रतिस्थापित करने पर u will be equal to a multiply with जीरो प्लस c, so c will be u। ये मान पुनः समीकरण संख्या एक में प्रतिस्थापित करने पर v will be equal to at plus u, या v is equals to u plus at। ये गति की प्रथम समीकरण हमको प्राप्त हो गई है। गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त करने के लिए हम तात्क्षणिक वेग और विस्थापन के बीच संबंध को उपयोग में लेंगे। तात्क्षणिक वेग v will be equal to ds by dt, so integration ds will be equal to v dt। समाकलन करने पर s is equals to v के स्थान पर u plus at प्रतिस्थापित करने पर u plus at dt। अतः s इज इक्वल टू यू, यहाँ एक अचर राशि है, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। समाकलन करने पर u अचर राशि है, a अचर राशि है, अतः u dt का इंटीग्रेशन समाकलन ut प्राप्त होगा प्लस a t स्क्वायर बाई टू प्राप्त होगा प्लस c। लेकिन परिसीमा प्रतिबंध t इज इक्वल टू जीरो पर दूरी s बराबर
जीरो, ये मान इस समीकरण प्रतिस्थापित करने पर s इक्वल टू जीरो एट u जीरो प्लस a जीरो स्क्वायर बाई टू प्लस c, अतः c विल बी इक्वल टू जीरो, अतः समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण गति की समीकरण संख्या दो हमें प्राप्त होती है। गति की तृतीय समीकरण प्राप्त करने के लिए कलन विधि का उपयोग करते हुए हमें सबसे पहले तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा का उपयोग करना होगा, जो कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होती है। इस समीकरण का उपयोग कर हम एक अन्य संबंध a इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये अवकलन विधि का एक विशेष गुण है, क्योंकि तात्क्षणिक त्वरण v विल बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, इसलिए डी एस बाई डी टी के स्थान पर v प्रतिस्थापित करने पर a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एस, अतः ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, समीकरण का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ए डी एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी, त्वरण एक अचर राशि है इसलिए ए एस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सी यहाँ एक समाकलन स्थिरांक है, इसका मान परिसीमा प्रतिबंध s इज इक्वल टू जीरो एट v इज इक्वल टू यू से प्राप्त करेंगे। समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर a s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई, समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर a जीरो विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सो सी विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। पुनः समीकरण प्रतिस्थापित करने पर ए एस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, सो ए एस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, अतः टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्राप्त होता है। अंत में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस गति की समीकरण संख्या तीन का मानक प्रतिरूप प्राप्त होता है। गति की समीकरण संख्या तीन। फ्यूचर में इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।